हम तो बिल्कुल खुश हूँ, और जीतेगा तो मोदी, ये सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन मोदी को ही वोट देंगे, जीतेगा तो मोदी ही। लेकिन अब जब परिवार में है, बड़ा छोटा काम करा, तो एक आध गलती भी हो गया होगा। इधर चार आदमी का परिवार कोई नहीं संभाल पाता, वो तो पूरा देश संभाल रहा है, उससे तो बेटर कोई आज तक प्रधानमंत्री बना ही नहीं। हाँ, वो तो ये एक तरह से बुझिए कि इस कलयुग के लिए भगवान है मोदी, कलयुग के लिए भगवान है मोदी। मैं तो उसका पूजा करता हूँ मैडम, मैं तो उसका घर में पूजा करता हूँ, मैं मूर्ति बना के रखा हूँ मोदी। हाँ सही कह रहा हूँ, मूर्ति लगा रखी है मोदी। आप लोगों में से कौन कौन इनके घर गया है, आप में से कोई इनके घर गया है? ये नहीं नहीं, आगे आइए थोड़ा सा, आगे आइए। नहीं नहीं नहीं, अभी मत बोलिए, आप इनके घर गए हैं? घर गए हैं इनके, मूर्ति लगी है मोदी जी की? नहीं नहीं, ऐसा ही मत, अफवाह अफवाह है ना। ये देखिए झूठ पकड़ा, ये अंदर अंदर नहीं गया है। अंदर का कौन से कमरे में? हाँ मैं अंदर के कमरे में रखा हूँ, जहाँ मैं पूजा पाठ करता हूँ। मोदी से आज तक बेटर कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अच्छा, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। इंदिरा जी, इंदिरा जी थी, इंदिरा जी थी, चलो इंदिरा जी थी, वाजपेयी भी थे, बाकी और जितने गांधी परिवार के थे सब हिंदू मुस्लिम लड़ा के अपना पॉलिटिक्स सीधा करने के लिए थे। दस में से दो नंबर दिए हैं मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल को। दस में से मैं 10 में से 20 दूंगा मोदी को, 20। आपने अंगणित ही चेंज कर दिया? नहीं, अंगणित ही चेंज कर दिया, ऐसा अद्भुत काम ही किया है जो उसको देगा। हिंदुत्व का, हमारे सनातन धर्म का रक्षक है, इससे बड़ा क्या होना चाहिए, सनातन धर्म का रक्षक है। जीते सनातन आते ही बेरोजगारी, महंगाई, नहीं बेरोजगारी महंगाई वो भी अपना कंट्रोल में। मैडम सब्जी का रेट भी अभी सब सही है, सब सही है, ऊपर नीचे तो होते रहते हैं। 20 रुपए किलो, 20 रुपए का मिल रहा है। हाँ, खीरा कितने का है? हाँ? खीरा 30 रुपए किलो। अच्छा, मैं खुद लाया। आलू 15 रुपए किलो मैंने लिया। थोड़ा सा आपने सोच कर बोला। हाँ, जो भी प्राइसेस बताए सही है, आपने कंट्रोल करके बताया। नहीं, मैं खुद खरीदता हूँ, 20-20 रुपए कम कर दिया। नहीं खरीदता हूँ, 200 रुपए किलो था टमाटर। हाँ तब ना तो महंगाई तो था, अभी तो 20 बता दिया ना उन्होंने। अभी 20 है, 200 रुपए किलो ठीक है। हाँ मैं अकेले भारी हूँ, जैसे मोदी जी, जैसे मोदी जी संसद में अकेले भारी हैं, वैसे मैं यहाँ इन लोगों पर सबसे भारी हूँ। अच्छा, इसलिए ये सारे आ रहे हैं, जरा आगे बढ़ जाइए। क्या आप ये मेरे हैं पर भारी हैं आप? ये सारे लोग से पूछिए, क्या अकेला मोदी भारी है? मोदी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री बना ही नहीं आज तक। हाँ जी, आप लोग भी ऐसे ही सोचते हैं सर? क्या जी, जो ये कह रहे हैं सर, यही सोचते हैं आप? क्या मोदी जी सब पर भारी हैं, मोदी जी के आगे सब फेल है? बिल्कुल फेल है। अच्छा, 16 अन्य फेल हैं। ये सारे बेईमान हैं। कौन जो ये नेताजी फिर हैं, नाम बताइए वाले। विपक्ष में XYZ केजरीवाल सबसे बड़ा बेईमान है और चलाक बेईमान। अच्छा, एक तो उसे आपकी इस विधानसभा ने विधायक तो मनीष सिसोदिया को बनाया, दिल्ली ने सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनाई है। प्रजातंत्र मूर्खों का, जाहिलों का, गवारों का, प्रकृति के खिलाफ पैसे वालों का राज है। ठीक, तो यहाँ जो फिर मोदी जी कैसे बन गए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कैसे आ गई केंद्र में? मोदी उनकी भी इसी आधार पे आ गई क्या? मोदी जो है देव पुरुष है। आप सोच के देखो, जिस बंदे ने G20 कराया, दिल्ली पूरा पोल्यूशन तो रहता, उस दिन पोल्यूशन नहीं रहा। ऊपर से नारायण ने भी हल्की हल्की बरसात करी ना। तो वो आदमी तो देव पुरुष है, वो किसी अपने लिया या अपने परिवार के लिया, अपने बच्चों के लिए। मोदी जी के बारे में आध्यात्मिक एंगल से बताया, तो थोड़ा सा मतलब इधर से आगे उनको पूरा दिखाइए, आप पूरा बताइए। तो आप यूं देखो, सोच के, वो अपने घर के लिया कर रहा या अपने बच्चों के लिया कर रहा, वो इस देश के लिया कर रहा जो कुछ कर रहा। और आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतनी लगातार जो है ड्यूटी दे रहा हो। आपको लगता है केजरीवाल जी बेरेस्ट हो सकते हैं? हाँ हाँ, जल्दी मुख्यमंत्री नहीं, आम आदमी पार्टी बना ही झूठ पर है। अच्छा, झूठ बोल के, इसलिए कि ज्यादा पढ़ा लिखा बोल के सबका डिग्री मांग के और खुद चोर है। हाँ। इसलिए कह रहा हूँ कि अब केजरीवाल को भी जाना बहुत जरूरी है, वहीं से चलेगा, जेल से ही चलेगा। पीएम की डिग्री के मामले में तो माफी मांग ली थी उन्होंने। अरे फिर बोला चौथ, इसके बाद फिर बोला है चौथी पास, मतलब उसने सच थोड़ा ना बोला, तो फिर फिर बोला, उसके बावजूद भी बोलते हैं, तो इससे बेटर है कि ये लोग जेल से ही शासन चलाए, अच्छा रहेगा। केजरीवाल को भी जितना जल्दी हो चला जाना चाहिए। उससे हासिल क्या होगा? लेकिन क्या हासिल क्या होगा? पूरे शराब से दिल्ली को डुबो दिए, जनसंख्या को ऐसी नियंत्रण ला दिए, वो शराब पियो एक के बाद एक, फ्री पियो, जनसंख्या फ्री करो। ये बस में जो लेडीज के लिए जो कमाती है उसको फ्री करना जरूरी था?
जो ना कमाए या जो ये है उसके लिए था। ये सारे लोग आराम से अच्छा, एसी तो में जा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि जो ये फ्री वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फ्री वाली पॉलिटिक्स का एक नुकसान अपना है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि फ्री की पॉलिटिक्स कहाँ नहीं हो रही है? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान फ्री की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे? लेकिन किया तो नहीं। राजस्थान में अशोक नहीं, तो अनाउंसमेंट कहाँ से कर रहे हैं वो? शिवराज जो कह रहे हैं कि हम जो है हर घर में जो है लैपटॉप बांट देंगे, मोबाइल फोन दे देंगे, उसने एक लाडली योजना या कुछ ऐसा चीज का बेटी के लिए किया तो वो तो सही है। ये देखिए देखिए, हजार रुपए। एक सेकंड, एक चीज देखनी पड़ेगी। जैसे ही शिवराज जी का नाम आया तो चेहरे पर एक मुस्कान और एक पोलाइटनेस आ गई। तो ये फर्क क्यों है? जब मुफ्त की योजना की बात हो रही है तो केजरीवाल और शिवराज सिंह चौहान दोनों के लिए एक पैमाना क्यों नहीं है? नहीं नहीं, देखिए शिवराज सिंह वरिष्ठ नेता है और जो करते हैं वो सही करते हैं। केजरीवाल जूनियर है, वो सनातन धर्म का हमारा सपोर्टर है। अच्छा हाँ, और केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो हनुमान जी केजरीवाल को जीतना है, इसका मतलब हिंदू को फिर मरवाना है क्या? कही नहीं, पर केजरीवाल तो कह रहे हैं अमानतुल्ला खान जब जीता था उसके बाद जो ये हुआ, तो कह रहे हैं हनुमान जी के भक्त है वो, वोट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। नहीं नहीं, ये भी मुसलमान लग रहा है, राहुल गांधी की तरह लग रहा है इसका भी। अच्छा, झूठ बोल रहा है। केजरीवाल देश में होना चाहिए जैसे मतलब महंगाई है, रोजगार है, इनके ऊपर हमारे की मतलब प्रधानमंत्री डेढ़ लाख हो गया तो भी महंगाई कह रहा है। मेन है, अब डेढ़ लाख है। हाँ। अब पहले 50,000 था, महंगाई रटेगा। आप बताओ, जब 50,000 था उस अनुसार से महंगाई भी तो बढ़ना चाहिए। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। मैंने पहली बार महंगाई के सपोर्टर देखे नहीं देखता। मैंने पहली बार महंगाई का सपोर्टर देखा। हाँ जी, अपना इनकम भी तो देखो, पहले 20,000 कमाते थे, अब 60,000 कमा रहे हैं, तो वो भी तो बढ़ेगा। लेकिन देश में सारे लोग थोड़ा ना कमा रहे हैं इतना? सारे लोग थोड़ा ना कमा रहे हैं।